वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आप लोग देखिए, अभी हम आ गए हैं बहन के घर पे, और जैसे ही हम आए तो बस बाबू लोग सब चाय पानी नाश्ता सब ला के देने लगे, और हम लोग को ज़्यादा टाइम लगा नहीं था, बस एक घंटा में ही हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। तो अपना गाड़ी से आए हैं तो कोई इतना है नहीं, और फिर वहाँ से फिर ट्रेन लिए थे, तो सिर्फ ट्रेन 15 मिनट के रास्ते पे ही है। 15 मिनट ट्रेन से सफ़र किए थे और फिर हम लोग पहुँच गए थे। तो अभी देखिए किचन में मैं थोड़ा सा देख रही थी कि क्या बन रहा है, तो बस बहुत सारे पकौड़े बनाए थे, नोनी साग का और आलू का, बैगन का, बहुत तरह का पकौड़े, 3-4 तरह का, बैगन पकौड़ा, ये नोनी साग का पकौड़ा, और बहुत सारा बनाया था, आलू के कोफ्ते भी बन रहे थे। तो फिर वही सब मेरी बहन ने हमें खाने को दिया और बहुत टेस्टी लगा। और मॉर्निंग में बस डेढ़ घंटे में हम लोग अपने घर से, मायके से हम लोग बहन के घर पे पहुंच गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पे शाम को चाट और छोला बना लेके आए थे और फिर खा रहे थे। तो बिहार में इस तरीके का ही सिंगड़ा और छोला बनता है, तो बाहर से लोग ले आते हैं दुकान से। फिर यहाँ पे शाम को नेक्स्ट डे हम लोग ये कोई भी एक भोजपुरी सॉन्ग है जिससे हम लोग डांस कर रहे थे, बैल भी डांस कर रहे थे। हम लोगों ने कितना अच्छा डांस किया और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट्स में बताइए। और हम लोग बहुत अच्छे से हम अपने बहनों के साथ में बहन के घर पर इंजॉय कर रहे हैं। व्यूज़ बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं एकदम सामने इतने सारे पेड़। तो जब से आई हूँ तब से अभी जाके मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, इसलिए गर्मी है यहाँ पे, खुला जगह है, तो जब शाम होगी तभी तो हवा आएगी ना, तो अभी जाके ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हैं गार्डन एरिया में। तो बहन का ये छोटा सा गार्डन है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अपने गार्डन को मिस कर रही हूँ। तिल का पौधा है और अभी फूल आ गए हैं, इसमें फल भी आ गया है ना, तो देखिए यहाँ पे फल भी आ गए हैं। ये तिल का पौधा है, ब्लैक तिल का, ये घर है कैसा है। तो गार्डन एरिया काफ़ी अच्छा है और मैं अपने गार्डन को मिस कर रही थी, लेकिन यहाँ से आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल हरियाली है जैसा मुझे चाहिए था। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, तो हमारा वीडियो शूट हो गया और फोटो भी शूट कर लिया हमने, तो अभी मैं ऊपर जाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी छत पे ना पके हुए कटहल आए हुए थे, तो फिर इस कटहल को निकालना है, तो फिर मैं वही निकाल रही थी। तो वैसे तो यहाँ पे कुछ काम है नहीं, बस हल्के फुल्के जो भी है मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। तो ये पके हुए कटहल हैं, उसी को मैं निकाल दे रही हूँ। तो एक छोटा सा कटहल से इतना सारा कटहल निकल गया, और अभी घर में किसी को पसंद है किसी को नहीं है, पर पका हुआ है इस सीजन का, तो लेके आए थे बहन के हस्बैंड जी, तो फिर सभी लोग खा लिए थे। यहाँ पे शाम को मैं थोड़ा सा हेल्प कर दे रही थी, तो सब्ज़ी काट दे रही हूँ, तो यहाँ पे सब्ज़ी काटना हो गया है। और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो बहन बोली कि रुको अभी, पर अभी मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से भी। मैं थोड़ा सा मन हो रहा था कि मैं जल्दी चली नेक्स्ट डे ही चली जाऊँगी, पर उन्होंने रोक लिया है हमें, और सभी को मन को ध्यान में रखते हुए फिर मैं यहाँ पे अभी रुकूँगी एक दो दिन, उसके बाद ही जाऊँगी। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो सावन का पहला दिन, तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ठीक ठाक कर दी हूँ, और अभी पूजा करेंगे। तो कृति और सृष्टि जाएंगे मंदिर, तो कृति सृष्टि यहाँ पे पूजा के बर्तन धो रही है, सृष्टि गार्डन से फूल लेने गई है नीचे, तो फिर बहुत सारे फूल भी लगाए हैं बहन ने, तो यहाँ से देखिए अभी फूल लेके आ जाएगी। तो एक टोकरी फूल मिल ही गए हैं, और अभी यहाँ पे पूजा कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं, बहुत अच्छे से बच्चे लोगों ने इन्हें नहला के ड्रेसेस चेंज कर दिया है और बारी बारी से सभी लोग पूजा कर लेंगे। और अभी बच्चे जाएंगे मंदिर, तो मंदिर एकदम पास में ही है, 2 मिनट का रास्ते पे ही है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे मंदिर में आ गए हैं। और तो यहाँ पे देखिए कच्चू की सब्जी बन गई है। और कुछ कुछ काम बहन कर रही थी, थोड़ा सा मैं किचन में हेल्प कर दे रही हूँ, तो कढ़ी पकौड़े भी बन रहे थे, तो बस थोड़ा सा हेल्प करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर, बहन कर लेती है सारा काम, बस मैं ज़बरदस्ती घुस के थोड़ा सा कुछ कुछ कर देती हूँ। और शाम को देखिए यहाँ पे बारिश होने लगी थी और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था और गर्मी हो रही थी, और फिर अभी शाम को बहुत बारिश हुई, मौसम बहुत अच्छा है। और अभी हम लोग पी रहे थे चाय, शाम का चाय, और थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे छत पे। तो देखिए अभी हम बच्चे और सभी लोग छत पे आ गए हैं, तो थोड़ा सा घूम रहे थे, अच्छा लगता है। और अभी छत पे अब बहुत बारिश हुई, लेकिन ठंडा नहीं, ठंडा है, हवा थोड़ा सा कम लग रहा है, हवा बहुत चल रही थी, पर अचानक से हवा रुक गई है, तो हमें छत पे आना पड़ा। और बहुत अच्छा है मौसम, और अभी नीचे करंट कटी हुई है, इसलिए हम लोग अभी ऊपर आए हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद नीचे जाएंगे। तो बहन भी आ गई है अभी,